इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है और साथ ही पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है। नए शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में और 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने पटना में विधानसभा मार्च निकाला। राज्यभर से आए हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल है। इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि राज्यभर से आए हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल है। बीजेपी शिक्षक भर्ती नियमावली रोजगार के अलावा कई सारे मुद्दे को लेकर महागठबंधन सरकार को घेर रही है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने ये संभाला है मोर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस मार्च के दौरान मोर्चा संभाल रहे हैं, वे खुद आकर पुलिस से भिड़ने लगे। हालांकि पुलिस भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ओर से भारी गुत्थम गुत्थी देखने मिली। पटना पुलिस ने डाक मंगला चौराहे पर विधानसभा मार्च निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बल प्रयोग किया है। पुलिस ने विधानसभा की ओर बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर खदेड़ा और इसमें महिला पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों पर भी लाठीचार्ज बरसाए हैं और मौके पर भारी बवाल की स्थिति पैदा हो गई है। विधानसभा मार्च के दौरान पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प देखने मिली है।